तो फिर वो करते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता, सही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। अगला इलेक्शन में देखिएगा, उनका आता पता नहीं रहेगा। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मजबूत से हैं, हम लोग जो सोचेंगे वही होगा। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं जनता को, जैसे भ्रम को दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत पॉपुलर हैं। तो गलत से ही इतना सीट वो लोग ले आए हैं, गलत फहमी और भ्रम फैला करके। अगला इलेक्शन में देखिएगा, उनका आता पता नहीं रहेगा। डिप्टी स्पीकर का डिमांड किया है। देखिए, परंपरा भी होती है, परंपरा तो अभी यही रही है कि विपक्ष के लोग नहीं बन पाए हैं डिप्टी स्पीकर। तो फिर इस बार बनने का हम नहीं समझते हैं कि कोई वैसा चांस है, प्रेसिडेंस है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री पर और हमारे विधानसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। तो ये बात अच्छा रहेगा कि उन्हीं पर हम लोग छोड़ दें, माननीय मुख्यमंत्री पर, कि वो क्या करेंगे। हम लोकसभा की बात कर रहे थे, विपक्ष का कहना है कि हमको डिप्टी स्पीकर रद्द चाहिए और नहीं तो हम मतलब अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे स्पीकर का। अब वो क्या करेंगे उनकी बात है, हमसे तो गाइड नहीं होते हैं। लेकिन जो हश्र लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर वो खड़ा भी करेंगे तो वही हश्र होगा। तो जानबूझ करके जमहूरियत को कमजोर अगर करना ही उनका उद्देश्य है तो ऐसा करेंगे, और नहीं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मजबूत से हैं, हम लोग जो सोचेंगे वही होगा। और जनहित में संवैधानिक परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए लोग क्या कहता है उस पर बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।